अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सी मसाला मैक्रोनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। पैन में डालेंगे हम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। ये मैंने 5-6 जवे लिए थे लहसुन के, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब इसमें डालेंगे प्याज, एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। लहसुन और प्याज जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें एक बड़ा टमाटर लिया था मैंने, तो इसमें डाल दिया। फ्लेम हमारा मीडियम ही है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। हमारा मसाला जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, टमाटर भी हमारे उसमें मिक्स हो गया। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून इसमें फ्रेश ब्लैक पेपर डालेंगे, फ्रेश चीनी, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने चिली पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 हरी मिर्च इसमें मैंने काट के ऐड की है, उसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हम चिली सॉस, 1 टेबलस्पून इसमें हम सिरका ऐड करेंगे, 5 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे केचप, 5 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ा टाइम लेती है पकने में, लेकिन मैंने इसे बारीक बारीक काटा हुआ है तो ये जल्दी पक जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च, इसको भी हम 2 से 3 सेकंड तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स, अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। यहाँ हमने पैन में मैक्रोनी डाली है बॉयल होने के लिए, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक डाला है, और ये बॉयल हो रही है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसे बॉयल करेंगे। वेजिटेबल हमारी सारी कुक हो चुकी हैं, अब हम इसमें बॉयल की हुई मैक्रोनी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पे थोड़ी सी चेडर चीज डालेंगे, इस पे हम 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम इस पे प्याज डालेंगे, हरी प्याज, इसका ग्रीन पार्ट जो है वो इसमें ऐड करेंगे। मज़ेदार सी मसाला मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।